प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में अनुनासिक चंद्रबिंदु की परिभाषा, अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर की जानकारी दी जा रही है। अनुनासिक चंद्रबिंदु की परिभाषा, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक उसी को कहते हैं। वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अन्य शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हंसना, आँख, चाँद, इनका चिन्ह चंद्रबिंदु है। अब हम आपको बता रहे हैं अनुनासिक का प्रयोग। जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं, और इन स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। अनुस्वार बिंदु और अनुनासिका चंद्रबिंदु में अंतर। अनुनासिका स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी, हंस हंसने की क्रिया, अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री, अंगना घर के बाहर खुला बरामदा। अब हम आपको बता रहे हैं अनुनासिका चंद्रबिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों। उदाहरण के रूप में अ, आ, ऊ, री। उदाहरण के रूप में हंस, हंस, चाँद, पूँछ। शिरोरेखा से ऊपर वाली, ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोपल। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।